हरियाणा में ग्रुप डी के लिए होने वाले सीईटी एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी राहत दी है। सीएम ने एग्जाम के दिन अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान कर दिया है। 21 और 22 अक्टूबर को ग्रुप डी का पेपर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ले रहा है। अभ्यर्थियों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उनके एडमिट कार्ड पर ही पेपर के दिन का पास लिख दिया जाएगा। इसके बाद उनके रोडवेज की बसों में आने जाने का कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। आपको बताएं, सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि ग्रुप डी के पेपर के लिए आवेदकों की दोनों दिनों की यात्रा का बसों में कोई किराया नहीं लगेगा। परीक्षार्थी के एडमिट कार्ड पर ही पेपर के दिन का पास लिखा होगा। परीक्षा के दिन आने जाने का कोई किराया आवेदकों को नहीं देना होगा। खुद सुनिए सीएम मनोहर लाल ने क्या ऐलान किया है। तो ग्रुप डी की अभी 21 और 22 तारीख को परीक्षा होनी है, तो हमने रोडवेज के हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनको ये निर्देश दे दिया है कि उनको सबको आने जाने का जो किराया है वो मुफ्त होगा, उसमें कोई किराया नहीं लगेगा। उनका जो कार्ड है, जो उनको एक एडमिट कार्ड मिलता है, उसी के ऊपर ये प्रिंट करके दे देंगे और जिस दिन उसको परीक्षा देने जाना है उस डेट के आने और जाने का उसका कोई किराया ये नहीं लगेगा। ये जानकारी आपको। आपको बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप डी के लिए करीब 13,500 पदों के लिए 21 और 22 अक्टूबर को होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी के लिए जिलों में सूची जारी कर दी है। प्रदेश के 18 जिलों में 1,072 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये पहला मौका है जब करीब एक सप्ताह पहले परीक्षा केंद्रों के जिले अलॉट किए गए हों। इन जिलों के आधार पर परीक्षार्थी को वहां तक पहुंचने के लिए आसानी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परीक्षाओं के दोनों दिन आवेदकों के आने जाने के लिए बसों का किराया भी माफ कर दिया है। परीक्षार्थी के एडमिट कार्ड पर ही पेपर के दिन के लिए मुफ्त बस सेवा की सूचना अंकित की जाएगी, जिससे बस चालकों और परिचालक आवेदकों को मुफ्त सफर कराने में किसी तरह की परेशानी न हो। कर्मचारी आयोग द्वारा 21 और 22 अक्टूबर को ग्रुप डी के लिए 13,536 पदों के लिए सीईटी की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के लिए 11,84,000 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। आपको आगे बताएं, ये परीक्षा दोनों दिनों 4 पालियों में आयोजित की जाएगी। एक पाली में 3,44,000 आवेदक की परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होगी और 11:45 पर खत्म हो जाएगी। दूसरी पाली की परीक्षा का समय दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जो 4:45 तक चलेगा। इस बार चंडीगढ़ में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब ग्रुप डी के आवेदकों के लिए सीएम मनोहर लाल ने जो सौगात दी है उससे आवेदक बहुत खुश है और सीएम मनोहर का धन्यवाद कर रहे हैं।